पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब पीएपी जालंधर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पंजाब पुलिस वेलफेयर मीटिंग में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चन्नी ने पुलिस वेलफेयर फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का ऐलान किया। पुलिस वेलफेयर फंड को मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का ऐलान किया। पंजाब पुलिस को नई 250 गाड़ियां और देने के साथ साथ राज्य के सभी हवाई अड्डों पर पंजाब पुलिस के अपने सांझ केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। हवाई अड्डों पर ये सांझ केंद्र विदेश से आने वाले पंजाबियों की सहायता के लिए खोले जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंजाब आर्म्ड पुलिस जालंधर को 1 करोड़ रुपए रेनोवेशन और मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घड़ी की सुइयां देखे बगैर रात दिन काम करते हैं, उन्हीं की बदौलत पंजाब में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। गल्लां करनियां बहुत सुखालियां ने, जिन्हां ने सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां सहालियां ने। जब कोई फौज दे विच भर्ती हुंदा है, जब कोई पुलिस दे विच भर्ती हुंदा है, पहला वो अपने जान कड़ी से रखता है, फिर इस खेत्र के क्योंकि फौज ते पुलिस ये दो अजे फील्ड है जिन्होंने हर समय खतरे का सामना करना पैदा है। पंजाब पुलिस के जवानों ने खेल के क्षेत्र में भी विश्व भर में पंजाब और देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह भी पीएपी से ही निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर पुलिस, राज्य कर्मचारी, अमला नेक नीति से मिलकर काम करे तो राज्य में अराजकता नहीं फैल सकती। पुलिस कर्मचारी अपने काम में ईमानदारी और पारदर्शिता लाएं ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। वहीं थाने में जाने या फिर चौक पर खड़े पुलिस अधिकारियों को बताने पर उसे न्याय मिला है। थाने में नाके पर या कहीं भी खड़ा पुलिस मुलाजिम खुद को चरणजीत सिंह चन्नी ही समझे और सोचे कि पंजाब को आगे लेकर जाना है, इसे नया पंजाब बनाना है। उन्होंने पुलिस वालों से ये भी आह्वान किया कि वे किसी भी सत्ताधारी दल के नेता, मंत्री या फिर किसी अन्य के दबाव में आकर कोई नाजायज केस दर्ज न करे, लेकिन किसी अपराधी को छोड़ना भी नहीं है। हर क्षेत्र में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, लेकिन हमें अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना है। चंडीगढ़ से गगन बठला की रिपोर्ट।